हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था जी। बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर। जी। फोटोन ऑफ 12.1 ev एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। अब देखो मैं ठीक फिगर बना के बताता हूँ। ये फोटोन है, इसकी एनर्जी जो है 12.1 ev। ये आ रहा है हाइड्रोजन एटम, इस वक्त ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? -13.6। जब ये फोटॉन अब्जॉर्ब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड से उड़ के किधर चला जाएगा? ग्राउंड से उसके किधर चला जाएगा? जिसकी मुझे एनर्जी नहीं पता। तो ये ई आई हुई इनिशियल एनर्जी, ये ई एफ हुई। बताइए इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? इसने आगे क्या बोला है? व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ दिस स्टेट? बताइए इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? इसका क्वांटम नंबर क्या? ग्राउंड स्टेट में ये याद रखना, जो ऑर्बिट का क्वांटम नंबर होता है वो 1 होता है। दोबारा बताऊं, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी 12.1 ev एब्जॉर्ब हुआ हाइड्रोजन एटम के अंदर। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इस वक्त ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट की चीज आपको याद रखनी चाहिए कि एनर्जी कितनी होती है, 12.1 ev। वो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से कहाँ पे ले जाएगा? एक्साइटेड। ग्राउंड से कहाँ ले जाएगा? जिसकी मुझे एनर्जी भी नहीं पता। बताइए इसका सर क्वांटम प्लीज नंबर। पहले इस बच्चे को चुप करा लें। सर एक मिनट, ओके बेटा सॉरी। ग्राउंड से उसको कहाँ पे ले गया? एक्साइटेड पे ले गया। ग्राउंड से उसको कहाँ पे ले गया? एक्साइटेड पे ले गया। बताइए इसका क्वांटम नंबर क्या होगा? बताइए इसका क्वेश्चन क्वांटम नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ये क्या था? ये क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, सर प्रोटॉन की एनर्जी कितनी है? 12.1। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है? -13.6। हाँ एक मिनट, ओके बेटा।
प्रोटॉन की एनर्जी कितनी है 13.6 ईवी, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है 13.6 ईवी। मैं दोबारा बता दूं कि प्रोटॉन की एनर्जी कितनी थी 12.1 ईवी, एब्जॉर्ब हुआ हाइड्रोजन एटम के अंदर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है 13.6 ईवी। एक्साइटेड स्टेट में गया तो बताइए एक्साइटेड स्टेट का जो क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट का जो क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा जी। और इससे पहले मुझे ये बताएं फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले तो हम बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक बाय बोहर एटॉमिक मॉडल जी, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक फोटोन की एनर्जी दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है, इक्वल टू EF माइनस EF, दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। हेलो जी बेटा, हेलो यस सर, प्रोटॉन की एनर्जी कितनी है 12.1, EF आपको नहीं पता, EI कितना है माइनस 13.6, EF माइनस माइनस प्लस, ये 12.1 13.6 प्लस हो रहा होता जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा यस सर, माइनस 1.5 क्या आएगा माइनस 1.5 जी। अब इसका क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा, क्वांटम नंबर इसका कैसे निकलेगा, इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला होता है ई एफ किसके होगा बराबर होगा माइनस 13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर। EF की वैल्यू कितनी है माइनस 1.5 माइनस 13.6 अपॉन माइनस से माइनस NF स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.5 9.06 स्क्वायर रूट ले लूंगा, क्या आएगा ये
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट सिक्स हो गया था। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ आयनाइजिंग हाइड्रोजन एटम? व्हाट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नीडेड? बताइए वो वेवलेंथ लाइट की क्या होगी जो कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करे। अब आ जाए जरा इधर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहा है वो लाइट की वेवलेंथ बताए जो कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करेगी। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही ऑर्बिट होता है, ये न्यूक्लियस, ये एक ही ऑर्बिट होता है, दैट इज 1। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर चला जाए तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। यस, तो इसका मतलब ये इनिशियल ऑर्बिट हो गया 1 और जब वो बाहर निकल जाएगा तो एटम से वो आजाद हो जाएगा तो उसका फाइनल ऑर्बिट क्या होगा? इनफिनिटी हो जाएगा, मींस आउटसाइड द एटम, आउटसाइड एटम की रेंज से बाहर निकल जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? इनफिनिटी। ये वन से निकल के बाहर निकल जाएगा, फाइनल ऑर्बिट इंफिनिटी हो गया ना, एटम से तो वो बाहर निकल गया, एटम से वो बाहर निकल गया तो फिर वो क्या हो जाएगा इस सूरत में? वो आयोनाइज, सूरत में वो क्या हो जाएगा? तो बताइए वो लाइट की वेवलेंथ क्या हो? समझ में आया? रिपीट कर दे एक बार। देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले ही ऑर्बिट में होता है Ni। अगर हाइड्रोजन एटम को अपने आयोनाइज कराना है तो इसको एटम से बाहर ले जाना पड़ेगा, एटम से बाहर लेके चले जाएंगे, एटम से बाहर निकल जाएगा तो आजाद हो जाएगा, आउटसाइड द एटम होगा। उसके लिए आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे तो उसका ऑर्बिट नंबर फिर क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस रेंज से बाहर, आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक हो जाएगा। बताइए फिर लाइट की वेवलेंथ क्या होगा? समझ आया जी सर? अच्छा जी बेटा, टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम Ni आपका क्या होगा? 1 और Nf आपका क्या होगा? इंफिनिटी। बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बताइए एनर्जी भी क्या होगी? एनर्जी भी बताओ। वन ओवर लैम्डा आर एच, वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, वन ओवर एन आई स्क्वायर।
यही बार बोला है, वन अपॉन लैम्डा आर एच की वैल्यू 1.09 × 10⁷। एन एफ मैंने आपको क्या बताया, एन आई आपको क्या बताया 1। नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। वन अपॉन वन, ये रख करूं मैं, ये रख करूं, यस सर। ये क्या हो जाएगा, 1/λ, ये 0 − 1 − 1.09 × 10⁷। जब आप फ्रैक्शन को पलटेंगे तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन पलट जाएगी, यहाँ 1/1.09 × 10⁷ आ जाएगा। जी जी बेटा कैलकुलेट करें, −9.1 × −8 9.1 × −8 बेटा लेंथ क्या नेगेटिव होती है क्या, अब आप इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू वेवलेंथ पता है आपको, एचसी अपॉन लैम्डा, एच की वैल्यू क्या है 6.63 × −34, c की वैल्यू क्या है 3 × 8, लैम्डा की वैल्यू क्या है 9.1 × −3। बेटा
2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 दोबारा रिपीट करिएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 18 माइनस 18 ये आया है जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करूंगा नंबर 10 आगे बढ़ूं कॉपी कर लिए यस सर फाइव था ना ये फाइव हो गया क्वेश्चन फोर आपका इनकम्प्लीट है क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन टू तो आपका हो चुका है व्हाट इज द पॉइंट द वेव ऑफ कैपिटल ऑफ आयनाइजिंग हाइड्रोजन एटम ये हो चुका एनर्जी ऑफ द लोएस्ट हाइड्रोजन एटम इज दिस ये भी इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन थ्री द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज 3.4 कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है -3.4 बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 ही तो डाटा बनाता जा रहा हूँ मैं सर कौन सा सवाल करा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री ये वाला ये तो हो चुका है ना ये तो अभी हमने किया है ये वाला का द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके सर थैंक यू ठीक है आ गया समझ The energy of electron in excited hydrogen atom is 3.4 GeV, -3.4. वो जो तुम बोल रहे थे ना ये रुको मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3.4 GeV. Okay. Excited state में इसकी energy कितनी है? -3.4 GeV. आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोल बताइए इस स्टेट में इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यानी एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल अब आप सबसे पहले क्या करेंगे ई किसके बराबर है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर बराबर है E बराबर है -13.6 अपॉन n स्क्वायर E की वैल्यू कितनी है -3.4 -3.6 ओवर n स्क्वायर माइनस से माइनस एन स्क्वायर इधर ही है इधर जी बेटा क्या है 1.05
टोटल डिवाइड करने का 1.05। एक मिनट फोर आ रहा है सर, फोर आ रहा है, फोर आ रहा है। स्क्वायर रूट ले लूंगा, एन की वैल्यू क्या आएगी? टू आएगी, टू। सही है, इससे आगे बाय बोर एटॉमिक मॉडल में पहले शुरू में मैंने आपको एक अजम्पशन बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, एनएच अपॉन 2π। याद है पहली assumption थी, angular momentum of electron बराबर है nh upon 2 pi के। याद है या नहीं? Yes sir, याद है। ये चीज किसके बराबर होता है? angular momentum के। तो मैं mvr की जगह angular momentum capital L लिखूंगा। is equal to n h upon 2 h की वैल्यू क्या है? 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2π। जी बेटा निकालें कितना आ रहा है, बल्कि बहुत आसान है, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 6.64 करके और माइनस 34 डिवाइड बाय 5। सर मेरा 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 34 आ रहा है। दोबारा रिपीट करिएगा। 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 34। बाकियों का भी यही आ रहा है। जी सर। कर लिया सबने? यस सर। ये इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए सिवाय बाइंडिंग एनर्जी के। बाइंडिंग एनर्जी का भी न्यूमेरिकल आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और कल आपकी क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा एटॉमिक न्यूक्लियर। सर वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नंबर 4 जी,
सर फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, आप कब आएंगे? इंशाल्लाह बस जल्दी, बस बेटा एक मेरी रिकवर करके फिर मत मैं आ ही जाऊंगा। क्वेश्चन 4 आपके इनकंप्लीट है, ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है सर। इसमें लिखा हुआ है स्टेट 3 टू 2 लिखा है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज, तुम इसकी बात कर रही हो, बुक के क्वेश्चन की बात कर रही हो? सर यही वाला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल के पैड में है, उसमें लिखा है फ्रॉम द स्टेट 3 टू 2। 3 टू 2 तो बहुत आसान हो गया। ये एन आई हो जाएगा, ये एन एफ हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा एन आई और ये एन एफ 2 हो जाएगा। वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे वन ओवर लैम्डा आर एच वन ओवर एन एफ स्क्वायर माइनस वन ओवर एन आई स्क्वायर। ये 1.09 n की पावर 7 n f 2 है और n i 3 है। सब लैम्डा निकाल ले, ये तो आसान है। और सर अब छुट्टी दे दें, बहुत टाइम हो गया। बट ठीक है, हाँ भाई मैं ये कहने का यही मकसद था, क्लास हो गई है ये आपकी ये वाली, इसमें अब आपको ये कंप्लीट हो गया है, ये दोनों मैं भेज दूंगा। कल की क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है? यानी कि मैं आने तक मैं आपको चैप्टर बचा रहा हूँ 18 भी कंप्लीट करा दूँ, फिर मैं ताकि चैप्टर 11 में आपको फिजिकल क्लास कराऊँ। ओके सर, ठीक है, ओके। बाकी आप लोग पेपर की डेट आ गई है बेटा, तो तैयारी पकड़ के रखें, 26 आ गई है, 3 ही पेपर है आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सर 4 है, और वही जूलॉजी बॉटनी, हम वही मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जूलॉजी बॉटनी, तो आपके 4 है, 4 पेपर है, बाकी इंग्लिश हिंदी तक सब माइनस हो गई है, तो तैयारी अब से ज्यादा अच्छी करके रखना है आपको, ठीक है? इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।